अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है और आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो जी स्टार्ट करते हैं। जैसे वही सुबह घर के काम काज होते हैं। आज मैंने ना घर के पतीले जो है ना उनको बड़ा अच्छा सा ना मांझना था, तो मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी ना सुबह पहले खाने का काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर खाना टाइम पे बनना चाहिए। तो जी फिर वो फलियाँ ये आपने देखी थी, ये मैंने काटी और मैंने फलियाँ और आलू बनाए, और साथ में जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने विंग्स बना लिए थे, थोड़ा सा मसाला बना के ना दही वगैरह डाल के टमाटर डाल के, तो थोड़े से विंग्स बना लिए थे उनके लिए कि दोपहर का खाना मतलब अच्छा हो जाए। तो बस इसी तरह, क्योंकि बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो बड़ा मसला होता है कि जब सब्ज़ी बने तो साथ में फिर कुछ ना कुछ मतलब मटन चिकन कढ़ाई कोई पुलाव कुछ मतलब बनता है कुछ साथ में ना। तो फिर जी ये खाना वाने से मैं टाइम से मैंने खाना बना के साइड पे किया, और उसके बाद हम लोग शुरू हो गए सफाई। मेरी हेल्पर आ गई थी। अच्छा, मेरी हेल्पर ने ना मुझे बताया एक लिक्विड का नाम। ये लिक्विड मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी इसकी बॉटल ना, और ये 100 की मिलती है, मतलब 100 रुपये की मिलती है, और ये जितनी है आप जहाँ पे सर्फ वगैरह मिलते हैं ना, ये अक्सर शॉप्स पे वो सर्फ बना के देते हैं, उनके पास ये लिक्विड की बॉटल्स पड़ी हुई होती है, 100 की मिलती है बॉटल ना। तो उससे आप यकीन करें बर्तन ऐसे चमके। अभी आप ये पतीला देख रहे हैं ना, इसमें अक्सर हम पानी गर्म करते हैं, तो इसकी शक्ल आपने देखी ना इसको, क्योंकि कितने दिन से हम लोग इसको ना मतलब साफ नहीं कर रहे थे कि हम लोगों ने आपको दिखाना था इसका रिज़ल्ट ना। तो ये लिक्विड जी थोड़ा सा बस पानी के साथ मिक्स करके और बस इसको मांजा। देखों को ना आज घर के जितने भी ना पतीले थे ना वो हमने सारे मांजने थे ना। तो ये देखें मैं वीडियो बना रही हूँ मांझ, तो मेरी हेल्पर रही है, तो है फिर हम लोगों ने मिल के किया था ये सारा काम। तो ये देखें जी इसकी कितनी कालक है, कितना जला हुआ है। आजकल पता क्या है, मेरा जो चूल्हा है ना वो बड़ी ज़्यादा ना धुएँ वाली, उसका एक जो चूल्हा है ना वो धुएँ वाली आग दे रहा है ना, मतलब इतना धुआँ निकलता है जैसे लकड़ियों पर खाना बनता है ना वैसा। तो फिर जी ये देखिए अब आप मेरे बर्तन, ये सारे हमने बर्तन मांझ के ये रखे, ये ड्राई हो रहे हैं, ड्राई होने के लिए रखे हुए थे, और ये देखें इनकी चमक आप देखें। आप यकीन करिए ये वाला भी इतना काला था, इतना काला था, और अब आप इनकी चमक देखें कि कितनी ज़बरदस्त हो गई। शायद कैमरे पे इतनी लग ना रही हो लेकिन ये बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे। ये देखिए ये बड़ा पतीला जो काला था बिल्कुल, अभी भी ये थोड़ा सा है लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी बेहतर हो गया, काफ़ी साफ़ हो गया। ये देखें आप अंदर से भी कितना चमक रहा है, बिल्कुल नए के नए हो गए हैं। ये देखें आप चेक करें मेरे बर्तनों के लश्कारे कितना अच्छा लगता है कसम से, बर्तन इतना साफ़ सुथरा हो ना खाना बनाने का भी मज़ा आता है ना। ये देखें जी मेरे बस पतीले सारे जितने थे, वैसे तो मोस्टली मैं नॉन स्टिक यूज़ करती हूँ लेकिन ये वाले भी पानी बॉयल करने के लिए या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा देखें ये लिक्विड है जी, इसका कोई नाम नहीं है, बिल्कुल कोई नाम नहीं है इसका। ये बस आपको जो सर्फ वगैरह बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह बेचते नहीं, उनके पास मिल जाती है, 100 की बॉटल आती है ना। तो ये आपके अगर कोई क्रीपी शॉप हो आप एक दफ़ा ज़रूर पता करें और मतलब यूज़ करके देखें। और इसका मुझे मेरी हेल्पर ने ही बताया था कि बाजी वो बड़ा अच्छा है, तो वो ही लेके आई थी मेरे लिए, तो मैं बल्कि उससे कह रही थी कि मेरे लिए और लेके आओ, तो ये बड़ा अच्छा है, तो आपको भी अगर चाहिए हो तो आप मंगवा लीजिएगा अपने करीबी कहीं शॉप वगैरह पे। उसके बाद जी फिर बस सफाई हुई, और सफाई के बाद ना ये मेरा जो सोफ़ा था, जो कपड़े के सोफ़े बने होते हैं दीवान वगैरह ना, उनकी सफाई ये होती है कि आपको पता है डस्ट पड़ी कोनों कोनों में चली जाती है, तो फिर मुझे ये होता है वीक में एक दफ़ा मैं जो होता है ना हल्की सी सर्फ, ज़्यादा सर्फ नहीं, हल्की सी सर्फ डाल के, फेनाइल डाल के, तो ये टॉवल को अच्छे से भगो के और उसको निचोड़ के ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो, निचोड़ के तो मैं बस इस तरह से ना पूरा जो है ना अपना सोफ़ा उसके ऊपर लगाती हूँ। एक तो अच्छी खुशबू भी आ जाती है और डस्ट जितनी है ना
वो सारी डस्ट जो है ना ख़त्म हो जाती है, साफ़ हो जाती है, और सोफ़ा ऐसे मैं कहती हूँ चमक जाता है ना कि जैसे बिल्कुल नया है। आपको पता है थोड़े बहुत दाग धब्बे लग ही जाते हैं, लेकिन अगर आप वीकली सोफ़ों की भी सफाई करें ना तो वो ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल नए हैं ना सोफ़े। इसके बाद जी ये एक मैंने टॉवल लिया, साफ़ सुथरा टॉवल, और उसके साथ ना पूरा एक दफ़ा इसको क्लीन कर लिया ताकि अगर कोई नमी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी मेरा सोफ़ा इतना ज़बरदस्त साफ़ हो गया। ओके जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।